ठीक है, जिस भाई ने दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी करती है हमारे साथ, मैं श्योरिटी देता हूँ भाई 50+ क्वेश्चन हमारे वाले आ रहे थे। ठीक है, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, 50+ क्वेश्चन हमारे वाले आ रहे थे। उसमें मैंने 2 सेकंड डिस्टेंस का रूल बताया था भाई, 2 गाड़ियों के बीच की दूरी। ठीक है, ट्रांसमिशन को और डिफरेंशियल को जोड़ने का जो कार्य होता है वो हमारी क्लच करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, गिव वे का मतलब पूछा गया था। ठीक है भाई, धारा 185। ठीक है, MVA एक एक्ट कौन सी होती है भाई, नशा वगैरह होता है तो दारू मतलब शराब पी कर चलाना, ये सभी क्वेश्चन भाई हम ऑलरेडी कर चुके थे। ठीक है, और रोड साइंस तो भाई मैं कह रहा हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं था। लगभग दिल्ली पुलिस ड्राइवर की शायद हमारी 22वीं या 23वीं क्लास होगी रोड साइंस की। ठीक है भाई, उसके अंदर से क्वेश्चन पूछे गए थे। और अभी ये मान के चलो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की मैंने 28वीं क्लास करी थी, मैंने रोड पट्टी के बारे में बताया था, तो उसके अंदर एक वाइट जो कंटिन्यूस लाइन होती है, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन आ रखा था भाई कि जो वाइट कंटिन्यूस लाइन है तो उसका मतलब आप क्या करोगे। तो उसमें क्या होता है भाई, अगर आपको इमरजेंसी लैंडिंग दिख रही है ना, कि अगर आपको इमरजेंसी दाएँ बाएँ मुड़ना है तो आप वाइट पट्टी क्रॉस कर सकते हो, अगर येलो लाइन है ना तो उसको क्रॉस नहीं करना होता बेचक कोई भी कंडीशन आ जाए। तो उसमें उसका आंसर था कि भाई हाँ हम उसको क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कन्फ्यूजन के लिए 9 का क्वेश्चन भी था, तो भाई उसको आप अपना देख लेना। मतलब ये बता रहा हूँ कहने का मतलब कि भाई क्वेश्चन था जो बहुत अच्छा लेवल था, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ईजी क्वेश्चन थे। ठीक है, अब जल्दी ही इसका क्या होगा भाई, इन्होंने एक तो ना तो क्वेश्चन पेपर दिए, ना ही इन्होंने आंसर की का कुछ प्रूफ दिया कि भाई जो OMR जिसके ऊपर भी हम कैसे आंसर किए चेक करें। तो अभी जब मैं उधर से आया तो वहीं का एक स्टाफ का आदमी था, उससे मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि सीधे ना रोल नंबर आएंगे भाई नेट के ऊपर। ठीक है, मतलब जैसे लिस्ट निगेट देते हैं भाई, जिसका क्वालिफाई होगा आपके पास रोल नंबर है, सीधा रोल नंबर डालो, जिस भाई का नाम हो गया तो इसका मतलब भाई वो अगले पड़ाव के लिए तैयार है। ठीक है, और अगला पड़ाव आपको पता ही होगा भाई, इसके अंदर जो CTU की बसें हैं, ठीक है, जो बड़ी वाली बसें हैं उनसे आपका ड्राइविंग टेस्ट होना है। ठीक है, प्लस में वाइवा भी होगा भाई। ठीक है, अब बहुत से बच्चे ये पूछते हैं कि वाइवा क्या होता है, तो भैया वाइवा होता है ओरल, यानी कि मौखिक क्वेश्चन कुछ ही पूछ लेंगे आपसे कि भाई गाड़ी चला समय दुर्घटना हो गई आप क्या करोगे, जो अब तक हम करवाते आ रहे थे। तो जो भाई CTU ड्राइवर का है, ठीक है, ड्राइवर के जितने भी भाई है ना भाई, वो हमारे साथ हमारे जो YouTube चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं जल्दी ही CTU ड्राइवर की वाइवा की क्लास लेके आने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, और CTU ड्राइवर और ITBP, ठीक है, अभी साथ साथ ही करवा देंगे, फिर बाद में टाइम रहेगा नहीं, क्योंकि अभी 2 से 4 दिन में हम फिलहाल तो ये मान के चलो हम DP ड्राइवर का रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ड्राइवर के जो वाइवा है ट्रेटस जल्दी ही आने वाले हैं, तो उससे क्या है पहले का रिवीजन करवा देते हैं, तो आगे चल के उनको उन बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तुरंत हम CTU चालू कर देंगे। ठीक है, वैसे CTU और DP ड्राइवर का सब लगभग जो ड्राइवर कोर्स है सभी भाई सेम सा ही है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोग हमसे जुड़ सकते हो, ड्राइविंग की आप कोई भी भर्ती हो, किसी भी प्रकार की वाइवा वगैरह हो, तो उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हो, कमेंट बॉक्स हमारा खुला हुआ है। ठीक है, आप उसके अंदर मैसेज कर देना भाई, आप किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए दोस्तों, इस जानकारी के लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। कोशिश करेंगे इस बार नोट्स प्रोवाइड करवाने की दोस्तों। ठीक है, हाँ, इस बार कोशिश करेंगे कि भाई आपको नोट्स ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो बाकी अगर फ़िलहाल तो मैंने जो जानकारी थी वो मैंने सही बता दी थी भाई, 2 घंटे का पेपर था, 100 क्वेश्चन आ रखे थे, पूरा पोर्शन कंप्लीट ड्राइवर से था, 4 क्वेश्चन GK के आ रखे थे। ठीक है, लेकिन जो GK का जो पोर्शन था वो ड्राइविंग से रिलेटेड ही था। ठीक है भाई, ध्यान रखना चीज़ का। और तो मैं कह रहा हूँ बहुत ईजी पेपर था, जिसको कहते हैं कि बढ़िया वाला पेपर, वो बढ़िया वाला पेपर भाई CTU का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो पेपर का पैटर्न था ऐसा रखा। लेकिन अब उन्होंने पेपर का पैटर्न तो हल्का कर दिया, लेकिन भाई बच्चे जो हमारे बच्चे थे उन्होंने कमी छोड़ दी है। जस्ट मेरे पीछे एक भाई बैठा हुआ था, उस भाई ने क्या करा, पूरा पेपर जो अपना जो क्वेश्चन पेपर था ना भाई, उसी के ऊपर वो गोले लगाने लग रहा भाई साहब। उस भाई को ये भी नहीं पता कि आंसर शीट के ऊपर भी लिखना होता है क्या, उसने पूरे ऐसे कैसे धर लिए। और हमारे सामने एक जो मैडम बैठी थी, मैं बार बार उस लड़के को देख रहा था, मैडम ने बोला कि भाई आप क्यों देख रहे हो, फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने मैम को बोला मैम आप इधर आओ पहले मेरे पास। मैडम आई, बोली बताओ, मगर ये लड़का है ना जो पीछे वाला, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर के ऊपर है ना गोले बनाने लग रहा है, इसने आंसर शीट तो भरी भी नहीं है। जब मैडम ने देखा, फिर देखी उसकी कॉपी, तो भैया पूरा ब्लैंक था उसका। ठीक है, तो भाई ऐसे बच्चे भी है यार, इतने भी नादान हो गया तुम्हें ये नहीं पता कि भाई क्वेश्चन पेपर पे क्या करना होता है और आंसर शीट पे क्या करना होता है। ठीक है भाई, तो यार भाई इतने तो समझदार आप हो। तो भाई फिर उस भाई के मैंने उसका क्वेश्चन पेपर लिया जल्दी से,
और पेपर लेते उसको जल्दी से जो उसने टिक मार रखे थे वो मैंने जल्दी जल्दी उसके भरवाए। लगभग 8 मिनट के अंदर अंदर है ना उसके भाई मैंने सारे क्वेश्चन उसके अटैम्प्ट करवा दिए थे उस दोस्त के, ठीक है। सेक्टर 38D CTU ड्राइवर गवर्नमेंट हाई स्कूल था भाई, ये बात वहाँ की है, ठीक है। तो दोस्तों उस भाई की जो मदद करी उसके लिए बताना मैंने ठीक करा या गलत किया, ठीक है। बाकी सब बाबा की मर्ज़ी है भाई, ठीक। और मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। हाँ, कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना भाई, कोई भी बाइक किसी भी चीज़ के ड्राइविंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहता हो तो कमेंट बॉक्स हमारा खुला है, ठीक है। तो इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।